नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में गुटखा देखना, सपने में गुटखा खाना, सपने में गुटखा की विभिन्न अवस्थाएं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं और ये प्रभाव सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। आज के वीडियो में हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सपने आना प्रकृति का हिस्सा होता है। इसके अलावा हमारा स्वप्न विज्ञान भी मानता है कि सपने हमारे भविष्य का दर्पण होते हैं। हमारे भविष्य में अच्छी या खराब घटनाएं जो भी घटने वाली होती हैं, सपने हमें संकेतों के माध्यम से पहले ही जानकारी दे देते हैं। अगर इन संकेतों को आप समझ लें तो आने वाले जीवन में आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा आप पहले ही कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के अनुसार सपने में गुटखा पान या ऐसी कोई भी वस्तु खाना जो आपको विलासिता का प्रतीक समझ में आती हो। अगर ऐसा सपना आपको दिखाई देता है जिसमें गुटखा, तंबाकू, शराब इत्यादि का आप सेवन कर रहे हैं तो ये अशुभ सपना होता है। ये सपना आपको बताता है कि आने वाले समय में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अभी के टाइम पर आप विलासिता भरा जीवन जी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत त्याग दें, ये अच्छा नहीं होता है। मैं ये बात कर लेते हैं सपने में गुटखा बेचना कैसा होता है। अगर ऐसा सपना आपको आता है जिसमें आप गुटखा बेच रहे हैं और आपके ग्राहक काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर ऐसा सपना आता है तो आपके तिच्छ बुद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपका मार्केटिंग स्किल काफ़ी डेवलप होने वाला है और आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें आपको जो है सफलता प्राप्त हो सकती है। खासकर स्त्रियों के लिए का सपना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह सपना उनके व्यक्तित्व में निखार का संकेत देता है। इसका मतलब होता है उनको समाज में काफ़ी मान सम्मान मिल सकता है। इसके अलावा परिवार में उनका स्थान ऊँचा बढ़ सकता है। भैया बात कर लेते हैं गुटखा खाना कैसा होता है। ये अशुभ सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा आपके लिए ही प्रतिघात किया जा रहा है। अभी के टाइम पर जो काम आपको अच्छा लगता है आने वाले समय में ये आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। भैया बात कर लेते हैं गुटखा फेंकना या सपने में गुटखा छोड़ना कैसा होता है। बेहद ही बढ़िया सपना होता है। अगर ऐसा सपना आता है, हालांकि बहुत कम लोगों को आता है, लेकिन जिनको भी आता है उनके जीवन में अच्छे परिणाम उनको देखने को मिलने लगते हैं और उनके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।